सो फाइनली गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी टॉप 5 घातक एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपके प्ले स्टोर में देखने को मिलेंगी। और ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यूजफुल होने वाले हैं जो कि आपकी डे टू डे लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देंगी। इन एप्लीकेशन में आपको जितने भी प्रीमियम एप्लीकेशन में फीचर्स मिलते हैं वो आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। इसमें जितने भी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ ये सभी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगी। लिंक मैं सभी एप्लीकेशन के जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके लिंक पर जाके क्लिक करके सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको वीडियो जो है शुरू से लेकर एंड तक देखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन के बारे में इस वीडियो में बताया हुआ है कि कौन सी एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है और किस चीज पे वर्क करती है। कोई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ साथ चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो को करते हैं शुरू। जो हमारी फर्स्ट नंबर की एप्लीकेशन होने वाली है बहुत ही ज्यादा यूजफुल और कमाल की एप्लीकेशन होने वाली है जिसका नाम है ब्लैक स्क्रीन। तो आपको सर्च बार में लिखना है जो कि प्ले स्टोर के ब्लैक स्क्रीन। जैसे ही आप ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे टाइप करेंगे तो सबसे पहली एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। आप इसका आइकन देख सकते हैं, यही एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। काफ़ी अच्छी डाउनलोडिंग और इसके जो रेटिंग वगैरह है काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा कम साइज की आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इसको ओपन कर लेना है। नॉर्मली इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं देखने को मिलेंगे, आपको 3 फंक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिससे कि आपको सबसे पहले नंबर पर है उसको आपको ऑन कर देना है। बाकी आप अपने हिसाब से सेकेंड और थर्ड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक जो आइकन आ जाए, YouTube एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है और YouTube में कोई भी सर्च करके आप गाना चला सकते हो। बेसिकली एप्लीकेशन इसी पे वर्क करती है, आपको ये बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाने का ऑप्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक नॉर्मली सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा ऐड आ गया, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो प्ले कर लिया है, उसके बाद इसका जो यूज केस है वो ये है कि ये ब्लैक स्क्रीन कर देता है। जैसे कि बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहेगा और आपकी जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा यूजफुल है जो कि आपको यूट्यूब में प्रीमियम में देखने को मिलता है बट यहाँ पे आपको फ्री में देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप यूट्यूब पर बैकग्राउंड में म्यूजिक इससे चला सकते हैं जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है, डे टू डे लाइफ में आपको बहुत काम आने वाले। नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली। इस एप्लीकेशन का नाम है क्लॉक वोल्ट। इसमें आप अपने फोटो को हाइड और वीडियो को हाइड और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सभी को हाइड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर में आपको सर्च कर लेना है क्लॉक वोल्ट, आइकन देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, तो आपको यही डाउनलोडिंग करनी है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सामने वॉच आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक टाइमिंग जो है सेट करना है। टाइमिंग का मतलब है जो कि आपका पासवर्ड होने वाला है। तो मैं यहाँ पर 2:10 का जो है वो टाइमिंग लगा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 2:10 मिनट, कोई भी टाइमिंग जो है वो सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आपको इसमें प्रेस करना है हल्का सा। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगे, जैसे सिक्योरिटी आंसर में आपको कुछ भी दे देना है जिससे कि आप पासवर्ड वगैरह भूल जाएं तो आप इजीली उसको ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे जीमेल डाल सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास कोई जीमेल हो तो डाल सकते हैं। जैसे ही डालेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन आपको हाइड करने के लिए मिल रहे हैं। इन सभी ऑप्शन में आप कोई भी चीज़ को हाइड कर सकते हैं और अपनी आप फाइल या फोटो या वीडियो को सिक्योर इसके अंदर डाल सकते हैं। कुछ इसका आइकन जो इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा है, जिसको किसी को भी ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि इसके अंदर भी आपकी फ़ोटो वगैरह या गैलरी वगैरह में सब कुछ है। बहुत ही ज़्यादा कमाल की एप्लीकेशन है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो थर्ड एप्लीकेशन होने वाली है ये भी बहुत ज़्यादा कमाल की एप्लीकेशन है, ये आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जो म्यूजिक के शौकीन हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम है स्लीप टाइमर टर्न म्यूजिक ऑफ। प्ले स्टोर में आपको सिंपली सर्च कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। काफ़ी अच्छी रेटिंग वगैरह और डाउनलोडिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आप ऊपर की तरफ यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं, 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट जो भी आपका टाइमिंग हो। बेसिकली एप्लीकेशन किस चीज़ पे वर्क करती है, आपको इसमें कोई भी एक ऐप जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है जिस चीज़ में आप म्यूजिक सुनते हो। जैसे कि मैं यूट्यूब कर लेता हूँ। किसी और एप्लीकेशन सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप न्यूज़ सुनते हो। तो आपको सिंपली यहाँ से इन सब चीज़ों को ओके कर देना है। इसकी एक परमिशन है, उसको आपको सेटिंग्स में जाके अलाउ कर देना है। जैसे ही मैं करता हूँ उसके बाद बैग जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे ही मैंने 23 मिनट का टाइम लगाया, उसके बाद जैसे ही हम YouTube पे सॉन्ग चलाते हैं, उसके बाद जैसे ही हमारा टाइम होता है तो ऑटोमेटिक जो है वो हमारा सॉन्ग जो है बंद हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी जो कि हमारा टाइमर है वो ऑन है। एप्लीकेशन आपको डे टू डे लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि ये म्यूजिक के लिए है तो आप म्यूजिक लगा के सो सकते हैं तो ऑटोमेटिक ये बंद कर देगा।
गाइस नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन की बात करें तो वो उसका नाम है क्रू कैचर। गाइस ये एप्लीकेशन आपकी मोबाइल की सिक्योरिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। आपको प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर लेना है क्रू कैचर। आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग जो है बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसको आपको ओपन कर देना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, तो आपको सबको जो है इनको अलाउ कर देना है। तो मैं यहाँ पर सबको एक्टिवेट और अलाउ कर देता हूँ। गाइस इस एप्लीकेशन को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है, और कुछ परमिशन मांगेगा तो आपको वो भी दे देनी है। और यहाँ पे अटैम्प्ट दिखा रहा है तो आपको अटैम्प्ट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने 3 कर दिया है। और यहाँ पे सभी परमिशन आपको अलाउ कर देनी है, जितने भी परमिशन कैमरा स्टोरेज की मांग रहा है, तो सबको एक्टिवेट कर देना। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी और ऑटोमेटिक जो है आपका लॉक लग जाएगा। बेसिकली अब ये काम कैसे करती है, जब भी आपका कोई भी मोबाइल को अनलॉक करने की कोशिश करेगा, 3 बार से ज़्यादा अगर इसको अनलॉक करने की कोशिश करेगा, तो उसकी ऑटोमेटिक ये पिक ले लेगा फ्रंट कैमरे से, जो कि आप क्रू कैचर एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं, जो कि आपकी सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है। तो चलते हैं हम एप्लीकेशन पे। आपको कैमरे का आइकन दिखेगा, जैसे ही आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा सकता है लाइव फोटो, जो कि अभी इससे पहले मैंने लॉक को अनलॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन इसने मेरी जो ऐप पिक ले ली। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है, डे टू डे लाइफ में आपको बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट एप्लीकेशन 5th नंबर की, जो कि लास्ट एप्लीकेशन है, ये भी बहुत ज़्यादा कमाल की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम है शाहजाम, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी डाउनलोडिंग है और काफ़ी अच्छे इसके फीचर्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो ऐसी एप्लीकेशन आईफोन में इनबिल्ट आती है, बट यहाँ पे आपको एंड्रॉयड में देखने को मिलती है। तो आप इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको किसी दूसरे मोबाइल में एक सॉन्ग्स प्ले करना है जिसका आपको नाम भी नहीं पता। जैसे ही सॉन्ग्स को प्ले करेंगे और इधर वाले टैब पे क्लिक करेंगे शाहजान पे, तो ये ऑटोमेटिक जो है उसकी वॉइस से जो है इसके म्यूजिक का जो है नाम निकाल देगा, और यहाँ पे म्यूजिक आपको डायरेक्ट ला के दिखा देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक म्यूजिक चलाया साइड में, और सनसेट जैसे कि इसने तुरंत ही यहाँ पे 5-10 सेकंड के अंदर जो है कैच कर लिया। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आपको किसी भी सॉन्ग का नाम ध्यान नहीं है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और थोड़ी सी इसको आवाज़ सुनवानी है, और जैसे ही आवाज़ सुनवाएंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको कैच करके आपको दिखा देगा और उसका सॉन्ग का सारी डिटेल आपको दे देगा। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है ये। गाइस जितनी मैंने एप्लीकेशन बताई हैं सभी बहुत ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब